नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको वैज्ञानिक विधि से मिर्च की खेती कैसे करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, टमाटर की नर्सरी कैसे डालें इसके बारे में बता चुका हूं। आपके बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के एग्ज़ाम होते रहते हैं, जिसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें हॉर्टिकल्चर एक सेक्शन है। तो ये वीडियो जो आपको दिए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आप उसमें आपको सहायता मिल सकती है। तो मित्र, जैसा कि आप जानते हो कि मिर्च एक व्यावसायिक फसल है और इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है और इसका हमारे भोजन में बहुत महत्व है। यदि अगर सब्जी हमारी बनती है और उसमें मिर्च न डाली जाए तो उसका स्वाद बिल्कुल बेकार लगता है और कोई उसे खाना पसंद नहीं करता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन पी पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसा कि आप जानते हो कि मिर्च का वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम मैनम प्रजाति। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिर्च का वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम प्रजाति एक्यूमिनेटम और लौंगम। इसमें छोटी और बड़ी मिर्च होती है, उस हिसाब से इनका नाम रखा गया है। सोलनेसी कुल का ये पौधा है और इसमें गुण 24 पाए जाते हैं और इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका में मैक्सिको गुटामाला से हुई है। विभिन्न भाषाओं में इसका विभिन्न नाम दिया गया है, ये आपके सामने इसमें दिया गया है। तीन प्रकार की कैप्सिकम पाई जाती है, रेड पेपर जिसको हॉट पेपर कहते हैं, कैप्सिकम एनम वैरायटी लौंगम, कैप्सिकम एनम वैरायटी एक्यूमिनेटम, स्वीट पेपर, कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्लॉसम जिसको सगिया मिर्च कहते हैं, पेपरिका या देगी मिर्च, कैप्सिकम एनम वैरायटी एनम जिसमें सबसे ऊपर वाली ये मसाले के काम आती है, और ये स्वीट पेपर कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्लॉसम सब्जी बनाने के काम आती है, और पेपरिका आप सब्जी में रंग लाने के लिए की जाती है, उगाई जाती है। मिर्च चार प्रकार की वैसे क्लासिफिकेशन बताई गई है, तीखी मिर्च, मीठी मिर्च, देगी मिर्च और काली मिर्च। तो यहाँ पर मित्रों केवल मैं तीन के बारे में बता रहा हूँ। इसमें ग्रोथ के हिसाब से दो प्रकार की मिर्च पाई जाती है, कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। इसमें कैप्सिकम एनम लगभग 90 से 95% क्षेत्र में की जाए इसकी खेती की जाती है और कैप्सिकम फ्रूटिसेंस 5 से 10% की जाती है। इसके जो अंतर हैं, इसकी ग्रोथ हैबिट कैसी होती है, प्लांट साइज कैसा होता है, लीफ कैसी होती है, इनके संबंधी है। इनमें सबसे बड़ी पहचान यही है कि फ्रूट साइज को देख करके आप इसको पहचान सकते हैं कि डंठल का साइज कैप्सिकम एनम में बड़ा होता है और कैप्सिकम फ्रूटिसेंस में छोटा होता है। इसी के आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिर्च के सामान्य उपयोग आप लोग जानते हैं, इसमें सलाद, अचार, मसाले, औषधीय गुण होते हैं, सब्जी और चटनी बनाई जाती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन पी पाई जाती है। तीनों ही विटामिन हैं, शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और विटामिन पी जो है रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल अगेंस्ट बैक्टीरिया अगेंस्ट फंगस काम करती है। चेरनोबिल परमाणु भट्टी जब विस्फोट हुआ था उसमें जिन लोगों ने मिर्च खा रखी थी उनको इसका प्रभाव कम हुआ था, वो जिन विटामिन पी की वजह से। तो ये औषधि गुणों में बहुत महत्वपूर्ण है और ये इन्फेक्शन को रोकने में, इसीलिए हमारे जो अचार और मुरब्बा और ये सब बनाए जाते हैं इनको, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उनको स्टोर करने में मदद करती है। फल के अंदर जो तीखापन होता है वो कैप्साइसिन के नाम से एक एल्कलॉइड होता है जिसकी वजह से होता है, और इसकी मात्रा अलग अलग भाग में अलग अलग, जैसे प्लेसेंटा जरायु जिसे कहते हैं, इसमें ये दिया गया है बीज के अंदर, छिलके के अंदर और पूरा फल, इसमें अलग अलग मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्लेसेंटा में कैप्साइसिन का कंटेंट होता है। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, आपकी कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो बाम जितने भी हैं, बैंडेड जो बनाए जाते हैं, बच्चों के हगीज हैं, इन सब में इसका बहुत ही कम मात्रा में पीपीएम में प्रयोग होता है। इसीलिए ये एक औषधि क्रॉप होते हुए इसका विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। पोषक तत्वों की दृष्टि से जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा होती है और विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है और विटामिन पी, ये तीनों विटामिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हरा भी खाया जाता है कच्ची सब्जी के रूप में
अचार के बनाने के रूप में, और सूखी इसके पाउडर को सब्जी में डाल दिया जाता है, और बीज का इसका प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलग अलग भाग में अलग अलग कार्बोहाइड्रेट वसा ये सब पाए जाते हैं जो इस टेबल में दिखाए गए हैं। मित्रों, क्षेत्र उत्पादन उत्पादक की दृष्टिकोण से भारतवर्ष में इसका कितना क्षेत्रफल है, उत्पादन कितना है, उत्पादकता कितनी है इस टेबल में दिखाया गया है। 2014-15 में 181,000 हेक्टेयर खेती की गई, जिससे 1998,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जिसकी उत्पादकता 11.04 थी। वहीं 2016-17 में आप देखिए 292,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई, और उत्पादन इससे 3,390,000 मीट्रिक टन और 11.61 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार उत्पादकता आती है। इसी तरह सूखी मिर्च, करीब हरी मिर्च जो होती है वो पकने देते हैं तो उसे लाल हो जाती है, और एक कुंटल में 18 से 25 प्रजातियों के अनुसार इसमें सूखा पदार्थ मिलता है, तो ये सूखी मिर्च भी विदेशों को भेजी जाती है। इसका भी उत्पादन ये दिया गया है टेबल में, ये आप देख सकते हैं। भारत से निर्यात किया गया पिछले 2016-17 में 40,250 टन, जिसके 5,070.75 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 2017-18 में 4,43,900 टन इसके मिर्च को बाहर भेजा गया, जिसे 4,256.33 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसमें थोड़ा सा अंतर ये आया है कि बाज़ार में इसकी अधिक मांग होने की वजह कम होने की वजह से अस्थिरता के कारण ये 2016-2018 में अंतर है आमदनी में। ये विभिन्न राज्यों का आंकड़ा है, किस राज्य में कितना है, आंकड़ा अलग पुराना है, NSB का दिया हुआ, किस राज्य में कितनी होती है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 5-6 राज्य इस तरह के हैं जो 75% टोटल निर्यात का पैदा करते हैं, और शेष 25% में पूरे देश के अन्य हिस्से आते हैं। इसमें बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कैप्साइसिन, बीटा कैरोटीन, कैप्सोर्बिन, जेंथोजिन, नियोजेंथिन, वायलोजेंथिन, ल्यूनिन, और फ्रूट का जो कलर रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से पीला रंग होता है, और लाल रंग होता है इसका कैप्सेंथिन की वजह से होता है। इसमें मेजर ग्रोइंग कहाँ कहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, MP, ये इनमें 75% पूरे उत्पादन का ये 5-6 राज्य पैदा करते हैं, शेष में 25% बाकी गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों से उत्पादन मिलता है। जलवायु के संबंध में इसकी खेती उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण से लेकर के समशीतोष्ण जलवायु में की जा सकती है। पाला रहित वातावरण इसके लिए अच्छा होता है, और समुद्र तट से 2500 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। औसतन वर्षा 75 से 125 मीटर प्रतिवर्ष इसके लिए आवश्यक होती है। कम वाले क्षेत्रों में भी इसके उगा सकते हैं। तापमान इसका पौधे के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तम पाया गया है। बीज अंकुरण के लिए 20 से 25 तापमान होना चाहिए, और अच्छी फलत के लिए 22 से 28 तापमान, लेकिन रात्रि का तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तापमान 18 से नीचे हो जाता है तो फलों में बीज नहीं बनता है, और 24 से ज़्यादा हो जाता है तो फल उसमें फल नहीं बनते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती रहती है, लेकिन जड़ों का विकास नहीं रुक जाता है, इसलिए 18 से 25 तापमान इसके लिए पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और 30 से ज़्यादा तापमान और 18 से कम होने पर परागण क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, परागण सूख जाते हैं और परागण क्रिया नहीं हो पाती है। मृदा की संबंधी आवश्यकताओं में इनको मिर्च की खेती हल्की दुमट से लेकर के दुमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, उचित जल निकास के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव है। 24 घंटे में अगर पानी खेत में बढ़ा रह गया तो ये पूरा मर जाएगा, इसलिए दुमट वाली दुमट इसकी खेती के लिए सबसे उत्तम होती है, जिसका pH मान 6.8 से 7.5 होता है, उस तरह की भूमि को चुनाव करना चाहिए।
इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिसमें स्थानीय प्रजातियाँ राज्य स्तरीय पर कुछ अनुमोदित हुई हैं और कुछ ICR के माध्यम से ऑल इंडिया क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक सब्जी की 470 प्रजातियाँ निकली हैं, जिसमें से मिर्च की 40 प्रजातियाँ, जिनमें से 15 संकर प्रजातियाँ और 25 सामान्य प्रजातियाँ अनुमोदित हो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और अनुमोदित भी हुई हैं। अब ये इस टेबल में आपको सामान्य प्रजातियाँ और संकर प्रजातियों के बारे में बताया, जैसे पंसी 1, पंसी 2, पंसी 3, पंसी 4, ये 15 से निकाली गई हैं। काशी अनमोल, VR, सावर, पंजाब लाल, अर्का लोही और संकर किस्मों में आपके CH1, CH2, CH3 ये पंजाब से निकाली गई हैं। अर्का हरता IISR से निकाली गई है और इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। और CCH2 और CH3 ये F1 हाइब्रिड हैं जो काशी IIVR से निकाले गए हैं। इसी प्रकार से ये सारी यहाँ पर आपको संकर प्रजातियाँ और सामान्य प्रजातियाँ दी गई हैं। प्रजातियाँ कि इनकी आवश्यकता कितनी पड़ेगी बीज को एक हेक्टेयर के लिए, तो ये दिखाया गया है कि अगर उसका अंकुरण बीज का आपका 90-95% है तो 1 किलो से 1.25 किलो बीज की आवश्यकता होती है। यदि बीज का अंकुरण कम है तो बीज की मात्रा अधिक लगेगी। संकर प्रजातियों में 800 ग्राम से लेकर के 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है। ये बीज दिखाया गया है कि किस तरह से आपको स्वच्छ बीज होना चाहिए जो कि उच्च क्वालिटी का है और इसको बोले थोड़ा अच्छी फसल पैदा होगी। नर्सरी प्रेफरेंस के लिए ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि पहले खेत का चुनाव करिए, फिर क्यारी बनाइए, फिर उसका क्यारी का उपचार करिए, फिर ट्रीटमेंट सीड का करिए, उसके बाद सीड की बुवाई करिए, फिर उस पर मल्च डालिए, फिर इरीगेशन कीजिए, वीडिंग कीजिए, उसके बाद में ये बोई की फसल गर्मी के मौसम में 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। और जाड़े के मौसम में ऐसा पाया गया कि यदि आपने नवंबर के महीने में बो दिया है तब तो आपकी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी और यदि आपने दिसंबर में बोया है तो 2.5 महीने में आपकी पौध तैयार होगी। ये पौधशाला की क्यारी का निर्माण दिखाया गया है आपको, ये इसका लेआउट है। ठीक है, पौधशाला में खाद किस तरह से मिलती है ये इसके बारे में दिखाया जा रहा है। ये मृदा सौरीकरण की विधि है, बहुत सस्ती विधि है। केवल क्यारी बना करके खाद डालने के बाद उसमें सिंचाई करिए और सिंचाई करने के बाद इसको अप्रैल के महीने में 1.5 महीने के लिए 15 अप्रैल से लेकर के और 31 मई तक इसको ढक दीजिए और उसके बाद में आप फसल लेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और कोई भी एक वर्षीय खरपतवार आपकी फसल को नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद 3-4 फसलें आप इस क्षेत्र से उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। तो मृदा सौरीकरण बहुत ही सस्ती और सुलभ तकनीकी है जिसको कि सभी किसान भाई और सभी मिर्च के उगाने वाले लोग अपना करके अधिक लाभ ले सकते हैं। बीज उपचार या शोधन कवकनाशी दवा से कर सकते हैं, गर्म पानी से करते हैं, ट्राइकोडर्मा से करते हैं और वृद्धियांकों से कर सकते हैं। कवकनाशी दवा इसमें आप थायराम कैप्टान ले सकते हैं 2-3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। और एंथ्रेक्नोज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि बीज से लगती है, इसके उपचार के लिए आप गर्म पानी 55 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करिए और उसके बाद जब उंगली सहने योग्य हो जाए तो उसमें बीज को किसी कपड़े की पोटली में बांध करके उसमें डाल दीजिए 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद छाया में सुखा करके फिर उसको कवकनाशी दवा से उपचार करिए और बो दीजिए। इसके अतिरिक्त हम ट्राइकोडर्मा का भी 8-10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो बीज 1-2 साल पुराने होते हैं और उनका जर्मिनेशन ठीक नहीं होता है तो उसमें NA GA3 का 10 ppm का घोल बना करके उसमें 24 घंटे के लिए रोक रख देते हैं। इसी तरह NA के 10 ppm घोल में जो इसका प्रयोग करते हैं तो इससे अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। ये बुवाई के लिए मैंने बताया था आपको कि क्यारी बनाने के बाद में 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर और आप 1-2 सेंटीमीटर की गहराई पर उसकी बुवाई करेंगे और बीज को ज़्यादा घना नहीं बोएंगे तो आपको अच्छी पौध तैयार होगी। बीज बोने के बाद ऊपर से परवार बिछाना बहुत आवश्यक है। ग्रीष्मकालीन में आपका परवार जो है थोड़ा मोटा रहना चाहिए जिससे कि नमी बनाए रखें। इसके लिए आप कांच या गन्ने की सूखी पत्ती डालें और धान का पॉल कभी नहीं डालिए। वर्षा काल में भी जो आपने गर्मी वाला किया है उसी तरह करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी और सावधानी रखनी पड़ती है कि वर्षा काल में पानी से बचाने के लिए क्यारी के ऊपर या तो आप ढकने के लिए पॉलीथीन की सीट का इस्तेमाल करिए, सिल्की के माध्यम से उसको बचाइए। वसंतकालीन फसल के लिए आप पलवार कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने की सूखी पत्ती डाल सकते हैं और उसके साथ पॉलीथीन की चादर से आप क्यारी को ढकेंगे तो उसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस
से अधिक मिलेगा तभी बीज का अंकुरण हो पाएगा। जब तक 18 डिग्री से ज़्यादा तापमान नहीं मिलेगा तो बीज का अंकुरण नहीं होगा। इसलिए ये जो नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है उसके लिए ये विधि अपनाई जाती है। पलवार हमेशा आप जो है जब पौधे उग जाते हैं और उन्हें तो उसके बाद शाम के समय पलवार हटाइए और हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। और अनावश्यक पौधे बाद में जब बढ़ जाते हैं तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा घनी हो रही है तो उनको आप निकाल के बाहर कर सकते हैं। पौधशाला में खरपतवार आपके उगाते हैं तो उनको आप निराई गुड़ाई करके पतली खुरपी से निकालते रहिए और उसमें देखते रहिए कि कोई कीड़ा कोई बीमारी कोई इस तरह से उसमें किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हो रहा है। और तीसरे चौथे दिन जब बरसात नहीं होती है तो आप उसमें सिंचाई करते रहिए और जब बरसात का मौसम है तो उसमें अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ जल निकास की आवश्यकता है। पौधशाला में कीड़े बहुत से लगते हैं उनको आप देखते रहिए। कटवर्म बहुत लगता है इसलिए आप क्यारी में 2 से 3 या फ्यूराडॉन प्रत्येक वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारी बनाते समय डालिए। इसी तरह बीमारियों में आर्द्र विघटन बीमारी बहुत नुकसान करती है इसलिए बीज का ठीक से उपचार करिए, टाइगोड्रामा से करिए चाहे कवकनाशी दवा से करिए लेकिन उपचार होना चाहिए। खरपतवारों से आप करने के लिए निराई गुड़ाई जैसे ही बीज का अंकुरण होता है उसके बाद निराई गुड़ाई करें तो आप उनसे बचा सकते हैं। उसके बाद सिंचाई मौसम के अनुसार यदि अधिक सूखा है तो आप दूसरे तीसरे दिन सिंचाई करते रहिए और निराई गुड़ाई करते रहिए तो आपकी 30-35 दिन में पौध तैयार हो जाएगी। और जब आप पौध लगाने लगें तो उस पौध को पानी देना बंद कर दीजिए 1 सप्ताह के लिए तो उसमें थोड़ा सा पौधों में कठोरता आ जाती है। और यदि वैसे कठोरता आप लाना चाहते हैं तो आप पोटेशियम नाइट्रेट का 0.2% का घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं रोपाई से 3 दिन पहले तो पौधों में कुछ कठोरता आ जाती है और उसके बाद इसको आप रोपाई के लिए कर सकते हैं। ये आपकी पौधशाला में पौध तैयार हो चुकी है तो इसको आप रोपाई की जरूरत है। अब खेत तैयार करने के लिए आपको एक गहरी जुताई करनी पड़ेगी, 3-4 बार हैरो पटेला चला करके खेत को बराबर कर लीजिए और बराबर करके पूरे खेत को छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए और उसमें ढलान रखिए। यदि बरसात के मौसम में आप फसल लगा रहे हैं तो उस पर मेड़े बनाइए और मेड़े बना करके और मेड़ों पर ही आप रोपाई करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। और यदि ग्रीष्मकालीन फसल या बसंतकालीन फसल लगा रहे हैं आप तो उसमें आप खेत में मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे खेत में लगा सकते हैं। पौधे उखाड़ने से पूर्व क्यारी में हल्की सिंचाई कर दें जिससे पौधे उखाड़ने में आसानी रहती है। और पौधे उखाड़ने के बाद पौधों का फिर चयन कर लें, जो कमज़ोर पौधे हैं उन्हें निकाल दीजिए और स्वस्थ पौधों को इकट्ठा करके और उनकी जड़ों को साफ़ पानी से धोइए। और साफ़ पानी से धोने के बाद फिर उनको कवकनाशी दवा या कीटनाशी दवा या यूरिया के घोल से उपचारित करिए। इस विधि को हम बूस्टर विधि भी कहते हैं। अब बात आती है कि 1 हेक्टेयर खेत के लिए खाद और उर्वरक की कितनी आवश्यकता होती है। तो मित्रों गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसे 20 से 25 दिन पहले खुले खेत में डाल दीजिए और मिट्टी में मिला दीजिए। उसके बाद 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश के साथ 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 किलोग्राम बोरेक की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से संपूर्ण फॉस्फोरस पोटाश जिंक और बोरान को एक साथ मिलाइए। और उसके बाद उसमें आधा नाइट्रोजन 60 किलोग्राम मिला करके और उसमें खेत तैयार होने के बाद डाल दीजिए और मिट्टी में मिला दीजिए। बची हुई नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट करके एक भाग 30-35 दिन की अवस्था पर और दूसरा भाग 60-65 दिन की अवस्था पर खड़ी टॉप ड्रेसिंग के रूप में दीजिए। ये बूस्टर डोज का मैंने आपको बताया था कि यूरिया का 0.5% गोबर या 1% का गोबर या 1.5% का पौधों की अवस्था के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वृद्धिनियामक भी हम 10 ppm GAT या NAA 10 ppm का घोल बना करके उसमें 15 से 20 मिनट तक पौधों को रखते हैं। तो इस बूस्टर डोज का मुख्य उद्देश्य होता है कि पौधे लगाने के बाद जब खेत में लगते हैं तो वो पौधे मरते नहीं हैं, उनसे मृत्यु दर को बचाने के लिए हम बूस्टर डोज जैसे बच्चों में GPT का टीका खांसी का टीका दिया जाता है उसी तरह से पौधों में बूस्टर डोज या पौधे लगाने से पहले उनका उपचार किया जाता है, इस विधि को बूस्टर डोज कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुआई का रोपाई का समय मई जून है। यदि आपने मई जून में बुआई की है तो आप जुलाई अगस्त में इसकी प्लांटिंग करेंगे। इसी तरह से यदि आपने जून जुलाई में इसकी कोलाई की है तो इसको जुलाई अगस्त में लगाएंगे। और आपने दिसंबर जनवरी में लगाई है तो इसकी रोपाई आप फरवरी मार्च में करेंगे।
पहाड़ी क्षेत्रों में पौधों की रोपाई अप्रैल मई में की जाती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जुलाई अगस्त में की जाती है। और एक चीज़ और ध्यान की रखने बात है कि वर्षा वाले जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर जो उर्वरक बताए गए हैं उनकी आधी मात्रा यानी कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा आधी फास्फोरस की और आधी पोटाश की ही देनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है और पौधे के ठीक से अवशोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश और 8 किलो जिंक सल्फेट और 5 किलो बोरेक्स ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम होती है डालना चाहिए। और इसके बाद बात आती है जब पौधे आप लगा देते हैं तो लगाने के बाद में कुछ पौधे मर जाते हैं तो उनको खाली स्थान में पुनः पौधे लगाने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों यहाँ एक खास बात बताने की आवश्यकता है कि यदि आपने बहुत सारा से पौधे उखाड़ के और खेत में पौधों को लगाया तो वो आपके एक साथ पौधे जो पहले लगाए गए पौधे हैं उनके साथ नहीं पकेगा। इसलिए आवश्यक है कि पौधशाला से जब आप पौधे उगाते हैं और जब लगाने के बाद कुछ पौधे बच जाते हैं तो उन पौधों को वहीं खेत में मेड़ के किनारे लगा दीजिए और जो पौधे मर जाते हैं वहाँ से उन पौधों को उखाड़ करके आप लगाएंगे तो आपके जो पौधे हैं उन पर समान रूप से फूल फल एक साथ आएंगे। मिर्च के पौधों की रोपण की दूरी जो प्रजातियाँ बड़ी ऊंची होती हैं उनके लिए 50 सेंटीमीटर कतार बनाती जाती हैं और कतारों में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही पौधों की रोपाई की जाती है। और जो पौधे जो प्रजातियाँ जिनके पौधे बोने होते हैं जैसे काशी अनमोल है, पूसा ज्वाला है, इनको हम 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना करके और उनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों की रोपाई करते हैं। संकर प्रजातियों को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाते हैं और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों की रोपाई करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी रोपाई की जाती है। अब मित्रों बात आती है खरपतवारों की, तो खरपतवार नियंत्रण करके बहुत आवश्यकता होता है। निराई गुड़ाई कर सकते हैं आप खरपतवारों को, रसायन का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि इससे मिर्च में 70% तक की हानि हो जाती है। इसके लिए एला क्लोर सबसे बढ़िया है। आप 2.5 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट लेकर के उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोलिए और घोलने के बाद उसे खेत तैयार होने के बाद और रोपाई से पहले खेत में छिड़काव कर दीजिए और छिड़काव करने के बाद फिर पौधे लगा दीजिए और उसके बाद में हल्की सिंचाई कर दीजिए। फिर आपको 30-35 दिन तक कुछ भी उसमें निराई गुड़ाई नहीं करनी है। उसके बाद 40 दिन के बाद 45 दिन के बाद आप एक निराई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एला क्लोर 5 मिलीलीटर अगर सीधे सीधे आप लेते हैं तो उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देते हैं तो ये सीधे सीधे 45 दिन तक आपको खरपतवारों से बचाएगा। अब बात आती है सिंचाई की। रोपाई के बाद पौधे जो मिर्च का पौधा है इसको 18 एकड़ पानी की आवश्यकता होती है। इसमें रोपाई के बाद एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए और उसके बाद से वर्षा के आधार पर या मौसम कैसा है उसके हिसाब अगर मौसम खुश्क है तो आप एक सप्ताह में एक बार सिंचाई कर सकते हैं और मौसम में अगर नमी है तो 15 दिन में एक सिंचाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ पर ड्रिप प्रणाली अपना सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। इसके अलावा प्लास्टिक के पाइप भी आजकल सिंचाई के लिए प्रयोग होते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाती है कृषि कार्य में क्या क्या करना है आपको। तो आप निराई गुड़ाई 40-45 दिन बाद खरपतवार उग जाते हैं तो उनकी निराई गुड़ाई करते रहिए और पौधे की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाइए क्योंकि जो फसलें आप जून जुलाई में लगा देते हैं उसमें अगर मेड़ों पर नहीं लगाया है तो तेज़ हवा चलती है तो पौधे गिर जाते हैं, इसलिए उस पर मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से जो गर्मी वाली फसल होती है उसमें पौधे जब 35-40 दिन के हो जाते हैं तो पहली टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करने के बाद मेड़ चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने से जब गर्मी में तेज़ हवा चलती है तो पौधे नहीं गिरते हैं। और कभी कभी हम अगर पौधे ज़्यादा हमारी प्रजाति इस तरह की है उसके पौधे ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक की रस्सी या डोरी बांध करके और उनको सहारा देकर के बीच बीच में लकड़ी के खम्भे गाड़ देते हैं और उनके साथ उनको बांध दिया जाता है जिससे पौधे गिरने से बच जाते हैं। ये टेबल आपको ये दिखा रही है कि सब्जियों में कितनी प्रतिशत हानि होती है किस फसल में। इसमें मिर्च में देखिए 70% हानि इसमें बनाई गई है। त्रिपाठी आदि के द्वारा 1980 में प्रयोग किया गया था 15 में, उसका ये डेटा है। अब ये मित्र समस्या आती है फूल झड़ने की और ग्रीष्मकालीन जो फसल होती है उसमें रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा तापमान की वजह से परागण क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है और अधिकांश फूल गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में प्लानोफिक्स दवा आती है
उसकी 2 ml दवा 4.5 liter पानी में घोल करके आप छिड़काव करेंगे तो 20 ppm का फूल तैयार हो जाएगा, और 4 ml दवा आप 4.5 liter पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो 40 ppm का घोल बन जाएगा। इस तरह से आप NA के भी घोल बना करके, पहले NA की 1 gram दवा 1 liter पानी में घोल करके उसका 1000 ppm का घोल बना लीजिए, क्योंकि NA सीधे पानी में नहीं घुलता है, इसलिए इसको पहले आपको किसी एल्कोहल वगैरह में घोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम 1 liter बनाना पड़ेगा, ये 1000 ppm का सोल्यूशन बनेगा। इससे फिर आप 20 ml से लेकर 40 ppm का घोल बना करके और उसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके छिड़काव दो, पहला छिड़काव फूल आने की अवस्था पर जब थोड़ी और कलियाँ खिल रही हैं, और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 दिन बाद करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसी तरह से 2,4-D का 2 ppm का घोल बना करके, सोडियम साल्ट बाजार में मिलता है, इसका 2 ppm का घोल बनाइए और उसका छिड़काव कर लीजिए, दो छिड़काव, एक फूल आने की अवस्था पर, दूसरा उसके 20 दिन बाद। और तीसरा दवा पैक्लोबिटाजॉल या PP 33 के नाम से भी ये बाजार में मिलता है, और इसका आप 100 से 300 ppm का घोल छिड़काव करेंगे तो इससे पैदावार भी बढ़ जाती है, फल काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इससे काफ़ी लाभ होता है। इस तरह पर मिर्च में बिंदियामकों का प्रयोग भी बहुत पाया गया है, जैसे पीछे अभी दिखाया गया आपको, ये बताया गया आपको कैसे कैसे किस दवाई का छिड़काव कब करना चाहिए। अब फसल सुरक्षा की बात आती है तो इसमें एफिड, ये जिसको माहू कहते हैं, सफ़ेद मक्खी और कुतरा कीट, फलवेदक कीट, ये फलवेदक बीज शिमला मिर्च जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा लगता है, तो इससे बचाव के लिए आप उनके उपाय करिए। एफिड और माहू से बचाने के लिए आप रोगर या मेटासिस्टम दवा बाजार में मिल जाती है, अगर ये नहीं मिलती है तो एमिराक्लोपिड मिलता है 1 ml लेकर के 1 liter पानी में घोलिए और उसका छिड़काव कर दीजिए, या मेलाथियान 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं 10 से 15 दिन अंतर से। सफ़ेद मक्खी बहुत ही हानिकारक है, ये विषाणु को फैलाती है एक पौधे से दूसरे पौधे में, तो इसको भी मारने के लिए आपको मेटासिस्टम या एमिडाक्लोपिड का प्रयोग करना पड़ेगा, 1 ml दवा 1 liter पानी में घोल के छिड़काव करिए। कुतरा कीट, ये जब पौधे छोटे होते हैं उसमें पौधों को काट देता है, तो उसे बचाने के लिए आप खेत में 20 से 25 किलोग्राम फिरोडोन दवा, जब आप खाद डालते हैं खेत में उसमें इसको डाल दीजिए उसके साथ मिला करके, तो आप ये कीट इसमें नुकसान नहीं करेगा। फलवेदक कीट में जब फूल आने की अवस्था होती है उस समय अगर दवा का छिड़काव करेंगे, सेविन नामक दवा मिलती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं, मेलाथियान का छिड़काव कर सकते हैं, तो ये कीट जो है आपके फसलों को नुकसान नहीं करेगा। बीमारियों में आद्र विगलन, पर्णकुंचन, वृक्षरोग, फलगलन, मिलानी और मुजर, ये कुछ बीमारियां प्रमुख रूप से लगती हैं। आद्र विगलन बहुत सारा में लगता है, इसके लिए बीज का उपचार आप कैप्टन थायराम वगैरह से कर सकें या ट्राइकोग्रामा से करके उसको बचा सकते हैं। पर्णकुंचन रोग विषाणु के द्वारा होता है जो सफेद मक्खी द्वारा फैला जाता है, तो उसके लिए मेटासिस्टम रोगर या एमिडाक्लोपिड की दवा का छिड़काव करें। वृक्षरोग, वृक्षरोग ऐसा है जो कि गर्मी वाली फसल में, बरसात वाली फसल में बहुत नुकसान करता है, और इसमें पूरी ये जो आपका फल होता है, फल के ऊपर फल के धब्बे बनते हैं, और जो धब्बे बढ़ते बढ़ते बाद में काफ़ी बड़े हो जाते हैं और बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, ये फंगस के द्वारा होता है जिसको कोलेटोट्राइकम कहते हैं। इसके बचाव के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लैकटॉक्स दवा बाजार में मिलती है, इसका 0.25% का घोल छिड़काव आप पौध लगाने के बाद, जब आप पौधे लगाते हैं उस समय उस पौधे को ब्लाइट ऑक्सीड की दवा घोल में 0.25% का घोल बनाइए, और उसमें पौधों को 10-15 दिन के लिए डुबो के रखिए, उसके बाद उनकी रुपाई कर दीजिए, रुपाई के 15 दिन के बाद छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद छिड़काव कर दीजिए। इस तरह से आप 4-5 छिड़काव करते रहेंगे तो एंथ्रेक्नोज से आप अपनी फसल को बचा सकेंगे, क्योंकि यह बीमारी बीज से होती है, इसलिए बीज के उपचार के समय पर हॉट ट्रीटमेंट देना, जो मैंने अभी बताया था आपको गर्म पानी से उपचार, वो इसमें प्रभावशाली है। फलगलन, ये मुख्य रूप से कवक के द्वारा होता है, इससे बचाव के लिए आप जनेब दवा का 0.25% का घोल बना करके 10 से 12 दिन के अंतर पर छिड़काव करते रहेंगे तो आप अपने फलों को इस रोग से बचा सकते हैं। मिलानी रोग, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, मिलानी 3 तरह की होती है, पानी के द्वारा, ये 24 घंटे तक खेत में पानी भरा रह गया तो पौधे सूख जाएंगे, जल अधिकता की वजह से होता है। दूसरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसमें पौधे 24 घंटे के अंदर मुरझा जाते हैं और उसके बाद में फिर वो जिंदा नहीं होते हैं। और तीसरा होता है फंगस की वजह से, जिसमें पौधे की एक टहनी मुरझा जाती है। तो आप इन लक्षणों के आधार पर देख लीजिए कि किस प्रकार से बीमारी हो रही है और उसी के अनुसार आप उसका उपचार करिए। यदि बैक्टीरिया के द्वारा है तो उसमें कापर ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा
20 ppm मिला करके उसका छिड़काव करते हैं, तीन बार चार बार छिड़काव करना पड़ेगा आपको, तब आप उसको बचा सकते हैं। और उसको घोल से पौधों की ड्रेंचिंग करिए जहाँ जहाँ पर प्रभाव है रोग का। मुझेक भी इसी तरह सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है, यदि एक आध पौधा आपको दिखाई देता है तो उसको प्रारंभ में उखाड़ करके और उस पौधे को दबा दीजिए मिट्टी में। अब बात आती है फलों की तुड़ाई, तुड़ाई के लिए आप हरी अवस्था में इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। और एक दूसरी होती है बीज के लिए, जब फल से लगा रहे हैं या आपको मसाले के लिए लगानी है तो जब फल पूरे पक के लाल हो जाए तब उनको तोड़िए। तो ये दो अवस्थाएँ हैं और इनको जैसे भी आप जिसका उद्देश्य के अनुसार, किस उद्देश्य के लिए आपने फसल लगाइए उसके अनुसार आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब पैदावार के हिसाब से देखा जाए तो ये मृदा में आपने क्या किया है, कितना पोषक तत्व डाले हैं, कितनी आपने देखभाल की है, किस तरह से की है, उन सब कारकों के ऊपर निर्भर करती है और प्रजाति के ऊपर विशेष रूप से निर्भर करती है। तो सामान्य फसलों में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको लाल मिर्च पकी हुई प्राप्त हो सकती है और जो सूखने पर 18 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगी। और इसकी अगर आप तो बीज को निकालते हैं मड़ाई करके तो 3 से 5 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कभी भी आप मिर्च का बीज किसी डंडे से पीट करके या बोरे में लेकर के लोग उसे डंडे से पीट देते हैं तो इससे भी उसका भ्रूण खत्म हो जाता है। तो डंडे से पीट के कभी बीज मत निकालिए, आप इसको सीधे सीधे फर्श पर लगा के और उस पर सुखाइए और सुखाने के बाद ट्रैक्टर से उसकी मड़ाई करवा दीजिए या मड़ाई यंत्र से दबा कर करिए और बीज निकाल लीजिए। अब ये तो सामान्य खुले हुए मौसम में आपकी की खेत, यदि आपको विपरीत परिस्थितियों में कर सकते हैं और तैयार तो ये गुफानुमा पौधशाला इस तरह से बनाई जाती है जिसमें आप बीज की बुआई करके अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। दूसरा जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर आप गमलों का भी प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर मौसम ठीक नहीं है कि वर्षा हो रही है और थोड़ी आपको किचन गार्डन के लिए लगाना है तो गमले में आप एक 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 यानी कि एक भाग मिट्टी, एक भाग बालू और एक भाग गोबरी खाद मिलाकर के मिक्सर बनाइए और उसमें 2-3 ग्राम कीटनाशक दवा डाल दीजिए, कवकनाशक दवा डाल दीजिए, उसके बाद बीज की बुआई कर दीजिए तो आपकी पौध तैयार हो जाएगी। इसी तरह से पॉटिंग प्लग है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप जो संकर प्रजाति हैं जिनका बीज महंगा होता है तो इसको बचाने के लिए आपको एक एक बीज से एक एक खाने में डालना पड़ेगा। इस तरह से आप पौध तैयार कर सकते हैं। यदि आपको गमलों में पौध उगानी है या हाइड्रोपोनिक्स पौध कर रहे हैं तो आपको ये रसायन दिए गए हैं, इसकी कितनी मात्रा आपको प्रति लीटर 100 लीटर पानी में घोलने की आवश्यकता पड़ेगी ये इसके आंकड़े दिए गए हैं। इसके अनुसार आप घोल बना लीजिए और घोल बना करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के पॉलिथीन की थैलियों में मिश्रण भरने के लिए गोबर की खाद एक बार, मिट्टी की खाद 2 बार और इस तरह से ये मिश्रण बनाया गया है और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनका प्रयोग हम जहाँ हमारी किचन गार्डन बहुत छोटे हैं और हमको बहुत ज़्यादा भी पौध बोनी है और हम कहीं बो नहीं पा रहे हैं उसे, पॉलिथीन के जरिए 1/2 किलो मिट्टी की 1 किलो मिट्टी की आती है उसको भरिए और भरने के बाद उसमें अपनी 10-20 दाने उसके अंदर बो दीजिए तो आपकी पौध तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से पौध तैयार कर सकते हैं छोटे स्तर पर। ये आपकी कुछ प्रजातियाँ हैं जिसमें ये पंछी वो ये 2010 में निकाली गई है और इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और ये हमारे जो पूरा देश 8 खंडों में बटा हुआ है, 8 भागों में, उसमें से ये 5 खानों के लिए सबसे उत्तम पाई गई है। इसके ये फल हैं, ये इसके कच्चे फल हैं, पके तोड़े गए हैं। ये पंसीवन ये मसाले वाली फसल है, ये ऊपर को फलती है और इसकी बहुत तीखी होती है और इसकी पैदावार भी 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये पंसी 2 ये उसी की सिस्टर लाइन है, ये ऊपर को फलती है, ये नीचे को फलती है और इसकी पैदावार 70 से 80 क्विंटल है। ये पंसी 3 है, ये 2009 में निकाली गई और इस प्रजाति को ICR के द्वारा आइडेंटिफाई हो चुका है और ये इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे और पैदावार भी इसकी 70 से 90 क्विंटल है। ये उसके फल दिखाए गए हैं। ये काशी अरमोल काशी से निकाली गई है और ये ड्वार्फ मतलब बौनी किस्म है और इसकी काफ़ी अच्छी पैदावार है। ये PC6 है, ये फ्यूचर इम्यूनिटी के लिए बहुत रेजिस्टेंट वैरायटी है और इसका प्रयोग हुए हैं और ये फ्यूचर इम्यूनिटी के लिए रेजिस्टेंट पाई गई है। ये फले मुक्ता राहुल से निकाली गई है और ये गुच्छों में फलती है और उसकी पैदावार भी अच्छी है। काशी सुर्ख ये एक IIBR से काशी बनारस से निकाली गई है और उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। फल आप देख ही रहे हैं काफ़ी बड़े होते हैं और ये मसाले के लिए और
कच्चे गोंद के उपयोग में आती है। ये काशी अगेती ये भी नाम से फसल है प्रजाति, इसकी पैदावार भी अच्छी है, इसको भी आप उगा सकते हैं। ये एक जनपद में संरक्षण अच्छा पाया जाता है जिसको उगाया गया है, ये पंचीवन का। ये एक संकर प्रजाति है जो IIHR बंगलौर से निकाली गई है और इसकी पैदावार आप देख रहे हैं फलों से लग रहा है कि इसकी पैदावार भी अच्छी होगी। ये पंसी फोर का आपका मिर्च का फील्ड है जिसमें आप फल ये दिखाई दे रहे हैं काफ़ी। ये एक हमने हाइब्रिड तैयार किया था मिर्च शंकर, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाया। धन्यवाद मित्रों, आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।